राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला के सभागार में आयुर्वेद एवं जीर्ण व्याधियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कटोचा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलित कर की गई। वैद्य राजेश कटोचा ने कहा कि मेरे परिवार में पिछले 35 वर्षों से किसी ने एलोपैथिक दवाई नहीं ली, सभी आयुर्वेदिक में विश्वास रखते हैं तथा सब सकुशल हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक एलोपैथिक तरीकों की ओर से जिन व्याधियों को खत्म करने की खोज कर रहे थे, लेकिन अब आयुर्वेदिक के माध्यम से नई खोजें की जा रही है जिससे इन जीर्ण व्याधियों को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को, प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को सबसे पहले आयुर्वेद पर विश्वास करना होगा। हम कल्पना करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु होगा तो आयुर्वेद विभाग और आयुष की एक उसमें अहम पहल होगी और सचिव होते तो उसमें विशेष रोल होगा। सब यूनिट और टेम्पलेट जो उनके सभी क्लाइमेटिक जोन उपलब्ध हैं, हम हर प्रकार की जो मेडिसिन प्लांट्स हैं उन खेती को कर भी सकते हैं और आगे उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं, हर ASC में हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, टेलरदाई है, क्लास फोर या स्वीपर है। टोटल हमारे पास भारत सरकार में 904 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और 700 से ज़्यादा फार्मासिस्ट हमारे पास हैं, जहाँ पे हमारे प्रदेश में 36 सब डिवीजन हैं जहाँ पे STMOs काम कर रहे हैं और 12 जैसे कि हमारे जिले हैं, हर जिले में जो आयुर्वेद विभाग है उसको डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अधिकारी लीड कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हमारे डिस्ट्रिक्ट हर जगह हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पंचकर्मा, योग और प्रसार सूत्र इसके बारे में जो लोगों को हेल्थ की सुविधाएं हैं वो दे रही हैं। निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि पपरोला महाविद्यालय में 3 विषयों को छोड़कर 11 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती हैं। उन्होंने मुख्य अतिथि से आग्रह किया कि इन 3 विषयों की भी कक्षाएं शुरू करनी चाहिए, यहां पर साधन और संसाधन मौजूद हैं। नेशनल आयुष मिशन के लिए इस वर्ष हमें 400 करोड़ मिले थे, 800 करोड़ करने के लिए तैयार हो गए और अगले 2 साल में दूसरे 2000 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए। सो वी हैव टू स्पेंड दैट मनी। आप यहाँ की प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, मैं बाकी स्टेट्स को भी देता हूँ कि वो भी इस मॉडल को फॉलो करें। महाराष्ट्र भी है, ऐसे 4 स्टेट बहुत बड़े स्टेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन की सबसे ज़्यादा सफल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इन्हीं 4 राज्यों में बहुत अच्छा काम है और बाकी कुछ राज्य देश में 4 ऐसे केंद्र बनाने की योजना है नेशनल ग्रांट बोर्ड की तरफ से, उसमें से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर जोड़ीदार को इसलिए मैंने दिया गया है। वहीं निदेशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश RK पुर्थी ने भी हिमाचल में चलाई जा रही आयुर्वेद की योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।